नमस्कार दोस्तों, क्या आपका लैपटॉप बूट अप होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है और वो भी तब जब सिर्फ आपको एक स्प्रेडशीट एडिट करनी है? क्या आपका नेटफ्लिक्स वॉचिंग एक्सपीरियंस धीरे धीरे खराब होता जा रहा है? क्या आप एक नए एंट्री लेवल लैपटॉप की तलाश में है? तो ये है हमारी लिस्ट 5 सबसे अच्छे लैपटॉप्स की जो 40,000 के अंदर आते हैं, और ये लिस्ट लैपटॉप्स के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर है। नंबर 5 पर है HP का नोटबुक 15, और ये लैपटॉप उनके लिए है जो YouTube और Netflix पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। इस लैपटॉप में एक बड़ी 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है। इस लैपटॉप पर आप कुछ लाइट गेम्स भी खेल सकते हैं क्योंकि इसमें 2GB की डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी भी दी गई है। इस लैपटॉप का वजन है 2.18 kg, इसका मतलब ये ज्यादा भारी भी नहीं है। और इस वक्त मार्केट में HP 15 एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव मिलती है, तो अगर आज भी आप CDs यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये लैपटॉप कंसिडर करना चाहिए। चौथे नंबर पर है लेनोवो का थिंकपैड E480, जो अपनी स्टर्डीनेस और ओवरऑल यूजेबिलिटी के लिए जाना जाता है। अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, एक बहुत ही बढ़िया और कंफर्टेबल कीबोर्ड हो और प्रिसाइज टचपैड हो, तो आपको डेफिनेटली थिंकपैड E480 कंसिडर करना चाहिए। ये मशीन उनके लिए बहुत अच्छी है जिन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स लिखने की ज़रूरत होती है। लेकिन इसकी एक डाउनसाइड ये है कि इस लैपटॉप में 14 इंच की 768p रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, जो कभी कभी थोड़ी सी कलरलेस दिखाई देती है। इस लैपटॉप में एक इंटीग्रेटेड इंटेल का GPU है, इसीलिए इस पर गेमिंग नहीं करी जा सकती, और विंडोज 10 को भी आपको इस लैपटॉप के लिए अलग से खरीदना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस लैपटॉप में आप रैम को 8GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है Acer Aspire 5। ये लैपटॉप उनके लिए है जिनको एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस चाहिए। इस लैपटॉप में 15.6 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, लेकिन इसके कलर्स थोड़े से डल हैं। इस लैपटॉप का वजन है 2.2 किलोस। इस लैपटॉप में MX130 GPU है 2GB डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी के साथ, इसीलिए आप इस लैपटॉप पर लाइट इमेज और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। आप इस लैपटॉप पर कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं। इस लैपटॉप में 8GB की रैम है, लेकिन विंडोज 10 प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा आपको। दूसरे नंबर पर है डेल इंस्पिरॉन 5570। डेल इंस्पिरॉन एक ऐसा ब्रांड है जो 90s में लॉन्च हुआ था, इसलिए आप इस पर आसानी से भरोसा कर सकते हैं। इंस्पिरॉन 5570 में 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, जो उनके लिए अच्छी है जिन्हें TV शोज बिंज वॉच करना अच्छा लगता है। इस लैपटॉप के कुछ वेरिएंट्स में आपको इंटेल की ऑप्टेन मेमोरी मिलेगी, जिसकी मदद से स्टोर्ड डेटा की लोडिंग तेज हो जाएगी, और आप इस लैपटॉप की मदद से काफी ज्यादा डेटा बहुत जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि इस लैपटॉप में USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है। इस लैपटॉप का वजन 2.2 किलोज है, लेकिन ये लैपटॉप वीडियो गेम्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और नंबर 1 पे आता है लिनोवो आइडियापैड 330S। लिनोवो आइडियापैड 330S उनके लिए है जिन्हें एक बढ़िया दिखने वाला लैपटॉप चाहिए। इस लैपटॉप में एक मैट फिनिश्ड मेटल कवर दिया गया है, और जिसकी वजह से लैपटॉप काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इस लैपटॉप के स्पेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इस लैपटॉप में 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है और इंटेल का 8th जनरेशन CPU है। इस लैपटॉप में एक SSD भी दी गई है क्विक बूटअप टाइम के लिए, लेकिन आपको कभी ना कभी एक एक्सटर्नल ड्राइव की ज़रूरत पड़ ही जाएगी स्टोरेज स्पेस को बढ़ाने के लिए। ये लैपटॉप उनके लिए बहुत अच्छा है जिन्हें ज़्यादा स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत नहीं है। इस लैपटॉप का वज़न भी कम है, 1.87 किलोज इसका वेट है, और अपने कंपेटिटर्स से ये काफ़ी हल्का है, लेकिन इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी नहीं दी गई है। तो आपको ये लिस्ट कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और डिजिट हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।